गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुरभि सुमन फ्रॉम आवर टीम द रेड फाइट। हमने क्लास सिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था बॉडी मूवमेंट। हमने उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। हमने सारे जॉइंट्स देखे, हमने बोन्स देखे सारे विथ एक्सरसाइजेज। हम एक्सरसाइज करते करते उस चैप्टर को कंप्लीट किए हैं और वो चैप्टर हम इतनी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आप अगर एग्जाम में कुछ भूल भी जाते हो तो आप एक्सरसाइज करके, अब ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के बीच में एक्सरसाइज करना शुरू कर देना, वैसा नहीं है। बस आप अपनी बॉडी की मूवमेंट करवा के वो सारे चीज को रिकॉल कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से और बेटर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा कोई भी चैप्टर स्टार्ट करना और फिनिश करने का मोटो यही रहता है, आप उस चैप्टर को बिल्कुल रटो मत, जो आजकल सभी कर रहे हैं। किसी भी चैप्टर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे बैठ के पूरा एक एक डेफिनेशन को याद करने बैठते हैं, वैसा नहीं करना बच्चों। अगर वैसा कर रहे हो तो ऐसा ही जो टॉपिक होता है, ऐसा ही चैप्टर होता है जो आपको रिजल्ट से बाहर कर देता है, जो आपकी रैंक घटा देता है। वो वही चैप्टर जो होता है वो आपको इन मौके पे धोखा देता है। जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, किसी भी चैप्टर को मान लो कि लोकोमोशन, जैसे हमने पढ़ा अभी बॉडी मूवमेंट, अगर लोकोमोशन एंड मूवमेंट में डिफरेंसेस आता है तो आप क्या कर रहे हो। अगर आप, मैंने जैसे आपको प्लेस चेंज करके एग्जाम्पल वगैरह दे के समझाया था, अगर वो आपके दिमाग में बैठ गया है तो आपको ये डिफिनेशन याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही डेफिनेशन आप, वही एग्जांपल, वही एक्सरसाइजेस आपने अच्छी तरीके से नहीं सुना, अपने आप में वो करके नहीं देखा, तो इसका उसमें, उसका उसमें कर दोगे और आप अपने मार्क्स घटा लोगे और वो मार्क्स टॉपर्स ले जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है, टॉपर हमें बनना है। तो हमें एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। रट्टू तोता बिल्कुल हमें नहीं बनना कि एक चैप्टर लिए, एक डेफिनेशन लिए, बैठ के रट लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको मेरी बात थोड़ा लेक्चर लग रही होगी बट ये आपके फायदे की बात है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अगर किसी का लेक्चर लगे बट वो आपको अगर देता है, कुछ बेनिफिट देता है, तो उसे सुनने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान देके सोचना, ठीक है। कोई भी डेफिनेशन को बस रटना मत, उसको समझना, ठीक है। और इसी जोश के साथ हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। ये चैप्टर भी हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, क्यों इसमें भी हम बिल्कुल रटेंगे नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करने का फायदा क्या होता है ना, कि अगर आपको वो डेफिनेशन नहीं भी याद आ रहा है तो अगर आपको एग्जाम्पल मैं वही देती हूँ जो आपके डेली एक्टिविटीज में आप वो नोटिस करते हो, वो एग्जाम्पल आप भूलो मत। अगर वो एग्जाम्पल आपको याद रहता है तो आप डेफिनेशन खुद से बना के लिख सकते हो। जहां पे 5 मार्क्स की क्वेश्चन है, अगर आप खुद से बना के लिख रहे हो, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज गड़बड़ भी हो गया, तो एटलीस्ट 3 मार्क्स तो आपको मिलेंगे। 3 मार्क्स तो आपके सेंटेंस का कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा, तो आपको 3 मार्क्स तो मिलेंगे। तो 0 से तो अच्छा है ना हम 3 मार्क्स लेके आए, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना और बिल्कुल दिमाग खोल के सुनना ये सारी चीजें, ठीक है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की हेडिंग है चेंजेस अराउंड अस। तो सबसे पहले हमें चेंजेस समझना पड़ेगा कि चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। बदलाव क्या होता है हमारे डेली लाइफ में, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हम कभी कभी नोटिस करते हैं और कभी कभी नोटिस नहीं भी करते हैं। बट इस चैप्टर में हमें एक एक चेंज को देखना पड़ेगा, एक एक चेंज को नोटिस करना पड़ेगा कि ये हमारे पास ये चेंजेस हो रहे थे और अभी तक मैंने इस चेंजेस पे ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। और इस चैप्टर को आप बहुत लाइटली मत लेना कि बस ये 6 का चैप्टर है और आगे जाके मैं भूल भी जाऊंगा, फाइनल्स हो जाएंगे, 7 भी इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में मैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगी। और मैं आपको बता दूं, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। ऐसा नहीं कि बस 6 में पढ़े और इसको यही छोड़ दिया 6 में तो आगे कोई मतलब नहीं है, कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, ये आपका सोचना बिल्कुल गलत होगा। बिकॉज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो है वो आपको 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ना है, ठीक है। अभी क्या है, अभी आप इसकी छोटे से पहलू को देखोगे और जब वहां 12th में जाओगे तो आप इसके डीप स्टडी करोगे।
डीप स्टडी तभी तो करोगे ना जब आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पता होगा। पेड़ तो तभी बढ़ेगा ना जब सीड लगी होगी। तो वही है, अभी स्टैंडर्ड सिक्स में आप सीड बनाते हो, आप बेस बनाते हो, ठीक है। और बेस पे ही जो ट्री जो ग्रो कर रहा है वो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ग्रो करेगा। तभी तो जब आपका जो बेस होगा वो स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे आपको बेस स्ट्रांग करना है। आप सभी को ये थोड़ा लेक्चर लग रहा होगा, आई नो बहुत लोगों को लग रहा होगा, बहुत कम को नहीं, बहुतों को लग रहा होगा कि मैम लेक्चर दे रही है, इतना हमारा टाइम बर्बाद कर रही है। बट बच्चों, मैं आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहती, आपके फायदे की मैं ये आपको बात बता रही हूँ कि आप अपना टाइम दे रहे हो कहीं पे भी, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना सीखो। कहीं ऐसा नहीं बस ऐसे ही आए टाइम काटने के लिए देख के चले गए। मैं बार बार ये बात आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आप किसी भी चीज पे टाइम दे रहे हो, वो चाहे खेलो या सो या पढ़ो या अपना होमवर्क करो, कुछ भी करो, उसमें अपना 100% देने की कोशिश करो। बट ऐसे किसी भी चीज को करके निकलने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। तो इसी जोश के साथ हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोग से पूरी उम्मीद करूंगी कि आप जैसे आपने बॉडी मूवमेंट पढ़ा उससे भी बेटर तरीके से आप इस चैप्टर को कवर अप करोगे और क्वेश्चंस पूछोगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो हमारा जो क्लास होगा वो इंटरैक्टिव बनाएगा। बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आंसर दे रही हूँ, तो जो बच्चे नहीं भी पढ़ने वाले उन्हें भी इंटरेस्ट जगेगा कि हाँ इस लेक्चर को देखना चाहिए। यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैम इसका आंसर कर रही है। तो हम अपने क्लास को इंटरैक्टिव बनाएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम अपने क्लास को बेटर बनाएं, ठीक है। तो अब ज्यादा लेक्चर नहीं पढ़ना, आप लोग सो जाओगे, ठीक है, और जब जागोगे तो ये लेक्चर खत्म हो गया रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, ठीक है। तो देखो, चेंजेस अराउंड अस, चेंजेस मतलब क्या होते हैं, ठीक है। तो चेंजेस जो होता है वो होता है परिवर्तन हमारे उस फॉर्म को। देखो एग्जाम्पल से समझो, छोड़ो, जैसे कि अगर मान लो कोई भी सीड लगाते हो, ठीक है, सीड से प्लांट बन रहा है, ठीक है। आपने बस एक छोटा सा सीड लगाया मिट्टी में और उस सीड से एक वेल डेवलप्ड प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, चेंज हुआ, ठीक है, चेंज हुआ ना। एक छोटे से सीड से एक वेल डेवलप्ड बहुत बड़ा सा ट्री फॉर्म हो गया। तो ये क्या हुआ, ये चेंज हुआ, चेंज हुआ हुआ। एग्जाम्पल समझ में आया चेंजेस का। अब दूसरा एग्जाम्पल समझो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ही आज के लेक्चर में देखने वाला है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो फ्रीज में गए, सॉरी फ्रीज में नहीं जाना, फ्रीज के पास जाना है और वहां से आप कुछ आइस क्यूब्स निकाल दिए, ठीक है। आइस क्यूब निकाल के आप नॉर्मल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे उसको रख दो, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद आप कुछ देर बाद नोटिस क्या करोगे, वो लिक्विड में चेंज हो गया है। तो वो वहां पे भी क्या हुआ, वो चेंज हुआ। हमारा जो आइस क्यूब था वो क्या था, सॉलिड था, ठीक है। और सॉलिड से जैसे ही वो वाटर में, जब वो मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो गया, तो क्या हुआ, वो सॉलिड से लिक्विड में चला गया, ठीक है। और अगर मान लो कि आप उस जो लिक्विड बना अब आपका, अब आप क्या करो कि उसको हीट सप्लाई करो, ठीक है, गैस पे रख दो, ठीक है, बर्नर पे रख दिया, ठीक है। अब आप हीट सप्लाई करने लगोगे तो वो वेपर में भी चेंज होने लगेगा। तो फॉर्म कैसे कैसे चेंज हुआ, पहले आइस था तो वो सॉलिड था, वो लिक्विड में चेंज हुआ, इट मीन्स वाटर में चेंज हुआ। अब वाटर जो है वो क्या, वेपर में जा रहा है, गैस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, वो फॉर्म्स का चेंज हुआ, समझ रहे हो। इट्स अनदर एग्जाम्पल ऑफ चेंज, ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल था चेंज का। और एग्जाम्पल समझो, ठीक है, अगर मान लो कोई भी चीज जो है वो लकड़ी वगैरह, ये ठीक है, लकड़ी है, उसको आप हीट सप्लाई करते हो, उसको जला दो पूरी तरीके से, ठीक है। जलाने के बाद आप क्या देखोगे, एशेज मिल रहे हैं, राख जिसको कहते हैं। तब भी वहां पे भी क्या हुआ, वहां पे भी चेंजेस हुआ, आपने बिल्कुल चेंज कर दिया, पहले वो लकड़ी थी, अब क्या हुआ, वो एश बन गया, राख बन गया। तो वहां पे भी क्या है, चेंज है, ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ चेंज, ठीक है, समझ में आया। बहुत तरीके के चेंजेस, अगर मान लो कि एक छोटा बच्चा है जो अभी जस्ट उसका जन्म ही हुआ है, ठीक है, और कुछ साल बाद आप देखते हो वो थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, थोड़े बड़े होने के बाद उसके बाद और देखोगे और थोड़ी हाइट बढ़ी, ठीक है,
अब क्या हुआ, ये भी चेंजेस हो रहा है। छोटा बच्चा था, उसका हाइट बढ़ा 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 और वो एक मतलब वो मेल या फीमेल बन गया, ठीक है, बन गया या बन गई, तो वो क्या हो गया, वो भी चेंज हुआ, ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ चेंज। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमारे डेली एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है, बट हम उसे नोटिस नहीं करते। बट जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम सारे चेंजेस को नोटिस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी बताना कि आप लोग भी, मैं आप लोग को भी ये होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग एक दो चेंजेस मुझे कमेंट में बताना कि एक दो चेंजेस आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या नोटिस किया। बिकॉज मैं जानती हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, अपने आस पास ही आप देख लोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि कौन कौन बच्चे जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर जो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल बताएंगे, एक दो एग्जाम्पल मुझे बताते, तो मैं समझ जाऊंगी दे आर सिंसियर स्टूडेंट, दे आर टॉपर्स, वही टॉप करने वाले हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना। अब देखो, अब जो होता है वो रिएक्शन जो होता है, वो चेंजेस का जो चेंज होता है ना, अब जो होता है वो दो तरीके से होता है। रिएक्शन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का समझने का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत आप लोग मैं सोच रही हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे अपने मन में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है। तो आज का लेक्चर जो है मैं बस यहीं पे रोकूंगी, ठीक है, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल विथ डेफिनेशन विथ एग्जांपल क्लियर करेंगे हम लोग सब मिलके, बस मैं ही नहीं, हम लोग सब मिलके। और जो होमवर्क आपको मिला, मैं ये बहुत शॉर्ट लेक्चर रखी हूँ बिकॉज आप ये चैप्टर बहुत छोटा है, तो हम लोग बहुत आराम आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं मैं आज चाहूँ तो आज ही इसको 10 मिनट और एक्सटेंड करके खत्म कर सकती हूँ, बट मैं ऐसा चाहती ही नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि आप ही बहुत लाइट वे में पढ़ो, बहुत हल्के तरीके से पढ़ो, क्योंकि बोझ लेके मत पढ़ो, आज ही मुझे सारा कुछ कम्प्लीट करना है। हम बहुत रिलैक्स मूड में हो और बहुत मस्ती करते हुए इस चैप्टर को कम्प्लीट करना चाहते हैं, और बस मुझे आप लोग का साथ चाहिए। बस आप बस कुछ आंसर करो ना, तो मुझे उससे बहुत अच्छा फीलिंग आएगा, हाँ बच्चे पढ़ रहे और मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। तो आप लोग पूरा अपना होमवर्क करके आना सारे लोग, और प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एक दो एग्जांपल्स तो मैं सारे बच्चों से देखना, जो बच्चे सिंसियर हैं प्लीज मैं वेट करूंगी, आप लोग बताना मुझे मैम ये एग्जाम्पल है और वो एग्जाम्पल है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, विद एग्जाम्पल।